नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूरे भारत में इन दिनों 10 लाख रुपए के रिश्वत आरोपी सबसे चर्चित एसडीएम अफसर पिंकी मीना सुर्खियों में छाई हुई हैं। आपको बता दें, पिंकी मीना को 16 फरवरी को शादी के लिए कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें 21 फरवरी को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अब भाई, शादी की पूरी तैयारी तो हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। जयपुर की एक रिजॉर्ट में मेहमान तो पहुंचे, लेकिन शाही मेहमानबाजी का लुत्फ उठाने बारात नहीं पहुंची। देर रात तक दूल्हे का इंतजार होता रहा, लेकिन शादी का मंडप सूना ही रहा। आखिर सुबह इस मामले से पर्दा उठा कि पिंकी मीना की शादी में ना ढोल बाजा बजा और ना ही चमचमाती रोशनी और आतिशबाजी की गई, बल्कि गुपचुप में एक गांव में ही 7 फेरे ले लिए गए। जी हां, निलंबित एसडीएम पिंकी मीना की शादी वाली रात तब अचानक ट्विस्ट आया जब दूल्हा बारात लेकर जयपुर के सीकर रोड स्थित शादी वाले रिजॉर्ट में नहीं पहुंचा। शादी के लिए यहाँ राजवास का अनंतरम सफारी बुक कराया गया था और मेहमानों का आना जरूरी था। मेहमानों की खातिरदारी या मेहमान नवाजी की पूरी व्यवस्था की गई थी। मैरिज गार्डन में स्लो म्यूजिक में गाना भी बजने लगा। मेहमानों के लिए खाना भी बन चुका था। शादी की रस्में भी निभाई जा रही थी, लेकिन मेहमान रात 10 बजे तक बारात का इंतजार ही करते रहे। रात 10 बजे इस बात की फुसफुसाहट हुई कि बारात राजवस के इस गार्डन में नहीं आएगी। मैरिज गार्डन के गेट बंद कर दिए गए, हालांकि मेहमानों ने खाना खा लिया था। मेहमान भी एक एक करके मैरिज गार्डन से बाहर आने लगे। तभी विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि पिंकी मीणा की शादी उनके गांव चितवाड़ी स्थित घर में हो गई है। कुछ देर में दूल्हा नरेंद्र भी दौसा से बसुआ से चितवाड़ी गांव में पहुंच गया। गांव में जहां शादी की गई, वहां पिंकी मीना के घर पर डेकोरेशन भी नहीं था। सामान्य दिनों की तरह लाइट की व्यवस्था थी, ना गाना था, ना बजाना था, ना रिश्तेदारों का जमघट था। बस पिंकी मीना के चुनिंदे परिजन और दूल्हे नरेंद्र के चुनिंदे दोस्त और परिजन जी वहां पर मौजूद थे। फिर 7 फेरे भी लिए गए और शादी की औपचारिकता भी हुई। इसके बाद पिंकी मीना की ससुराल के लिए विदाई हुई। हालांकि शादी होने के बाद अभी भी पिंकी की मुसीबत कम नहीं हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 21 फरवरी को पिंकी मीना को जेल में सरेंडर करना होगा। ऐसे में अब शादी के बाद सिर्फ 4 दिन की चांदनी रहेगी और फिर पिंकी मीना वही सलाखों के पीछे चली जाएगी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।